झारखंड के निरसा में बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर निरसा कोलियरी के परियोजना का कार्य पूरी तरह से ठप्प किया। बीसीकेयू के बैनर तले ईसीएल मुगमा में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मजदूर ने बताया कि पिछले 2 महीनों से आउटसोर्सिंग में कार्यरत मजदूरों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन भुगतान को लेकर प्रबंधन से कई बार मांग की गई, लेकिन प्रबंधन टाल मटोल कर रहा है। इसके साथ ही यहां स्थित कांटा घर को चालू कराने की मांग की गई है। निरसा सेंट्रल पुल स्थित कांटा घर में वाहनों के वजन कराने में नियमों की अनदेखी की जाती है, जिस कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन 2 मांगों के लिए परियोजना का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से बंद कराया गया है। मांगे पूरी नहीं होने पर भी आंदोलन जारी रहेगा। धनबाद जिला ब्यूरो मलय गोप की रिपोर्ट। उसका सैलरी जो है 2 महीना का बाकी है और संडे होलीडे का भी पैसा बाकी है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है आउटसोर्सिंग का, वो बराबर आश्वासन देते रहते हैं आज करीब 10 दिन से कि आज पेमेंट होगा, कल पेमेंट होगा, अब पैसा घुस रहा है, लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं। इसीलिए सारा मजदूर यहाँ पर पेमेंट के लिए बंदी किया है। और भी कोई दूसरी मांगे है क्या? और दूसरा वे ब्रिज का है, कांटा का, जो कि यहाँ पर कांटा जो बना हुआ है इसको चालू करने के लिए है। सेंटर पुल कांटा गाड़ी जो कराता है उसमें कांटा आगे पीछे लोग जबरदस्ती वहाँ पर करा रहा है, इसीलिए कांटा का भी मांग के लिए बंद किया गया।